हेलो दोस्तों, तो देखिए आज हमारे कान्हा की अन्नप्राशन संस्कार है। तो हमने यहाँ पे कान्हा की सारी तैयारियाँ अन्नप्राशन की करी हुई हैं, सारा प्रसाद बना के रखा हुआ है। कान्हा को हमने यहाँ पे पीले कपड़े पहना के तैयार किया हुआ है। हमारे यहाँ पे गणेश पूजा वगैरह सब हो गई है। अब तो हम कान्हा का वेट कर रहे हैं कि कान्हा हमारा सबसे पहले क्या पकड़ने वाला है। तो देखिए हमारे कान्हा ने यहाँ पर फाइनली पहले पेन पकड़ ली है। तो अब कान्हा सोच रहे हैं कि अब मैं क्या पकड़ूँ। यहाँ पे ताई जी देखी कान्हा की, उसके ऊपर रुपये दे रही है। तो कान्हा को रुपये अभी नहीं पकड़ने, वो चावल समेटने लग गया है। तो अब देखिए वो सोच रहा है कि मैं किसे पकड़ूँ। तो देखिए उसने यहाँ पे सीधा सोना पकड़ लिया है। सोना पकड़ने की वो पूरी कोशिश कर रहा है, उसके हाथ में वो अच्छे से आ नहीं पा रहा है। और वो देख रहा है चारों तरफ कि मुझे क्या पकड़ना चाहिए। तो हमारे कान्हा ने देखिए वहाँ पे नथ पकड़ के रख लिया है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे उसे थकान भी लग रही है कान्हा को। तो मैं उसे गोद पर पकड़ लूँगी। तो कान्हा देखिए सीधे मंदिर की तरफ देख रहा है। अब देखिए कान्हा को हमने इस तरीके से थाली पकड़ के उसके सामने रख दिया है। अब वो देखिए सुंदरकांड की किताब पकड़ लेगा। तो देखिए कान्हा ने हमारी यहाँ पे किताब भी पकड़ ली है। तो थोड़ा पे फोटो शूट भी चल रहा है हमारा। अब देखिए कान्हा को यहाँ पे खाना खिलाने की बारी आ रही है, क्योंकि आज खाना खिलाने का पहला दिन होता है। आज के बाद हमारा कान्हा थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाने लग जाएगा। तो देखिए अब हम खिलाएंगे यहाँ पे कान्हा को। सबसे पहले देखिए कान्हा के पापा यहाँ पे उसे खाना खिलाएंगे। देखिए सोने की अंगूठी में इस तरीके से डुबो के बच्चों को खिलाया जाता है। देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम उसे जो जो यहाँ पे खाना बना हुआ है उसे पूरा यहाँ पे खिलाएंगे। कान्हा देखिए बड़े स्वाद से मज़े से खा रहा है यहाँ पे। और थोड़ी सी सब्जी मिला के हम कान्हा को खिलाएंगे। यहाँ पे दीपा भाभी बता रही हैं कि इस तरीके से खाना खिलाएं। और देखिए कान्हा को थोड़े चावल दाल सब्जी रहता सब एक साथ मिक्स करके खिलाएंगे। और कान्हा देखिए बड़े स्वाद से यहाँ पे खाना खा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे दादू भी खिलाएंगे कान्हा को। थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे दादू दादी दोनों यहाँ पे कान्हा को खाना खिलाएंगी। कान्हा के पापा उसे थोड़ा मना रहे हैं ताकि वो रोए ना। दीपा भाभी भी थोड़ा सा हल्की हल्की हवा लगा रही है, क्योंकि मंदिर में पंखे तो चल नहीं पाते हैं, दिए बुझने की डर रहती है। तो इस तरीके से हम कान्हा को मना रहे हैं। यहाँ पे देखिए कान्हा की बड़ी मम्मी ताई जी ने माखन बना के रखा हुआ है। थोड़ा सा हम यहाँ पर कान्हा को माखन भी खिला लेंगे। कान्हा की बुआ भी यहाँ पर कान्हा को खिलाएंगे फटाफट से। देखिए कान्हा का रोने लग गया, उसे नींद भी लग रही है। तो देखिए कान्हा माखन खा रहा है। अब देखिए कान्हा की बड़ी मम्मी यहाँ पे आ गई हैं और कान्हा के दादा भी पीछे पे बैठे हुए हैं। तो देखिए